सूरज का लानिमा देखने में गजब लगता है और दिन की शुरुआत अगर सूरज को देखने के साथ हो तो दिन बहुत अच्छे से बीतता है। यह हमें दिन की शुरुआत हो गई है, देख सकते हैं। और यहाँ से हजारीबाग के स्टूडेंट की दिनचर्या शुरू होता है, देख सकते हैं पूरी तरह से कितना खुशनुमा माहौल है सुबह का। ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग, छोटे छोटे घरों में यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं और अपना डेस्टिनेशन, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना एम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर जगह जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, हर जगह जो छोटे छोटे घर दिख रहा है आपको, ये सारे लॉज हैं। और यहाँ हमारे झारखंड प्रदेश के हर क्षेत्र, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हजारीबाग, जिला चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, ये हजारीबाग बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन काफी खूबसूरत है। और यहाँ पर हर जिले के लोग, हर जिलों के बच्चे, स्टूडेंट रहते हैं। यहाँ जितने भी दिख रहे हैं बिल्डिंग, सारे बिल्डिंगों में स्टूडेंट से भरे होते हैं जो अपना शिक्षा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि इंसान को सिर्फ घरों से निकलने की ज़रूरत है, रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। तो देख सकते हैं छोटे छोटे गलियों में होकर स्टूडेंट लोग जाते हैं। गांव में अक्सर ही छोटे छोटे पगडंडियाँ मिलेगा आपको, लेकिन शहरों में भी ऐसी जगह मिल जाएंगे जहाँ पर छोटे छोटे जगहों में होकर लोग अपना रास्ता बना लेते हैं और संस्थानों में जाते हैं। देख सकते हैं घर जितना भी बनता है उतनी ज़्यादा गंदगी भी होती है। देखिए यहाँ आसपास के इलाके में भी गंदगी है, घर सिर्फ अपन बनाते हैं, अपना आसपास के एरिया को साफ करने की कोशिश भी नहीं करते, पूरा रास्ता गंदा करके रखे हुए हैं। ये हजारीबाग का फेमस मजार है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग यहाँ पर मत्था टेकते हैं। अपनी अपनी आस्था है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, जो पुराने चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। ब्यूटीफुल सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, देख सकते हैं आसपास का कचरा, सिर्फ घर बनाने और अपना खाना खाने से कुछ नहीं होगा, आसपास के जगहों को गंदगी फैलाना ये कहाँ तक शोभा देता है। हर रास्ते के आसपास पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। ये रास्ता मेन रोड निकालता है, यहाँ से हजारीबाग टाउन यानी शहर की ओर ले जाता है। देख सकते हैं अपन वो रास्ता आ चुके हैं। ये रहा अब यहाँ देखेगा कि जिंदगी कितनी फास्ट होती है। अभी सुबह है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7-8-9 पूरे 10 बजे तक हर रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, हर जगह ये 3 नंबर चौक से लेकर पूरी मतवारी गांधी मैदान तक आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अभी सुबह के 6:30 बजे और देख सकते हैं अभी सारी दुकानें बंद है। शाम को यहाँ देखने का माहौल ही अजब होता है, पूरी तरह से दुकानें खुली रहती है और लाइट से ये शहर काफी खूबसूरत सा लगता है। हजारीबाग में इस वक्त ठंडा तो लगभग खत्म हो चुका है। आप जिस क्षेत्रों में, आप क्षेत्रों से बताइएगा कि आपके वहाँ पर मौसम कैसा है, क्या ठंडा पूरी तरह से गया या अभी भी कहर कर पा रहा है। ये हजारीबाग का कोरा चौक है और यहाँ से मटवारी मैदान के आगे तक पूरी तरह से कोचिंग सेंटर से भरा हुआ है, हर जगह स्टूडेंट आपको मिलेंगे। हालांकि अभी 11-12 का एग्जाम होने को है तो सारे स्टूडेंट का लगभग कोचिंग सेंटर बंद हो चुका है, फिर भी शाम को लाइब्रेरी में ये भीड़ देखा जा सकता है। अब राइडिंग देखिए, राइडिंग देख सकते हैं, लगातार आए दिन दुर्घटना होता रहता है, लेकिन फिर भी लड़के नहीं समझते और गाड़ी को इतने स्पीड से लेके जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तो तबाह करते हैं, दूसरों का ज़िंदगी को ले डूबते हैं। तो इन सब से बचें। ये कोर्रा चौक हजारीबाग।
से कोचिंग सेंटर सब भरे पड़े हैं हर जगह चारों तरफ। आगे गली में और सादा है लेकिन यहाँ भी कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो जाता है। बहुत लेट हो चुका अब इसलिए मैं क्या तो थक गया। अब इत्तेफाक से अभी सुबह हम देखते हैं तो प्रॉब्लम हुआ क्या कहें ठीक है आइए दिखता होगा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट चलिए थोड़ा सा सामने स्टिकाटे देख सकते हैं सुबह से अपना एक्टिविटी सब लोग कर रहे हैं कोई दौड़ रहा है कोई एक्सरसाइज कर रहा है ये तो काफ़ी खूबसूरत सा लगता है देखने में और ये हर किसी को करने की ज़रूरत है। उधर लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं इधर कबड्डी खेल रहे हैं कहीं क्रिकेट हो रहा है कोई एक्सरसाइज कर रहा है कोई योगा कर रहा है कोई मेडिटेशन कर रहा है। ये सुबह की खूबसूरती इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ हर कोई अपने अपने एक्टिविटी करते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और हर व्यक्ति को ये सब सुबह से करना ज़रूरी है ताकि उनका दिनचर्या जो है वो बेहतर हो सके। सूरज का लानिमा देखने में गजब लगता है और दिन की शुरुआत अगर सूरज को देखने के साथ हो तो दिन बहुत अच्छे से बीतता है ये हमें याद रखने की ज़रूरत है इसलिए सूरज उगने से पहले हम उठ जाएं वही बेहतर है। देखा जाए तो शहरों की ज़िंदगी बड़ी तेज़ और बहुत बिजी रहती है देख सकते हैं कोई रात को जगता है दिन में सोता है कोई दिन में जगता है रात में सोता है ऐसी ज़िंदगी शहरों की होती है हर लोग अपने अपने कामों में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं। बाबू गांव जगह है जहां पर पूरी तरह से खाली था अभी हर जगह कोचिंग सेंटर खुल गई है